अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के दिशा निर्देशों पर गलत तत्वों तथा नशे के खिलाफ चलाएगी मुहिम के तहत सीआईए स्टाफ 2 की पुलिस ने एक नशा तस्कर को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीआईए 2 के इंचार्ज राजेश कुमार ने बताया कि उनकी पुलिस पार्टी द्वारा गश्त के दौरान रामतीर्थ रोड पर मौजूद थी। इस दौरान एक स्विफ्ट कार को रुकने का इशारा किया तो कार चालक गाड़ी को रोककर उसमें से निकलकर भागने लगा, जिसके बाद उसे काबू कर लिया गया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान अविनाश उर्फ बबलू बसंती निवासी अमृतसर के तौर पर हुई है, जिसके पास से 110 ग्राम हेरोइन और 7,000 की ड्रग मनी बरामद हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश कर उससे रिमांड पर लिया जाएगा ताकि आरोपी से आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। एक कल साड़ी एक पुलिस पार्टी एएसआई जसपाल सिंह दे नाल अपने रामतीर्थ रोड ते रस्ते से सी, तां जिहड़े इन्हां ने एक कार स्विफ्ट कार फड़ी रोकी है, उहदे विचों अविनाश इलियस बबलू ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਮੀ ਲਿਫਾਫਾ ਸਿੱਟਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 110 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 3 ਮੁਕੱਦਮੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਦਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ।